बेसिकली जैसा आपने कहा शॉर्ट फिल्म है और द वर्जिन्स इसका नाम है. वर्जिनिटी किस तरीके से हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करती है, लोग क्या समझते हैं उससे, अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक सोशल कंडीशनिंग जिसकी हम बात करते हैं, सोसाइटी कैसे हमारी विचारधाराओं को कैसे बदलती है, उसके बारे में फिल्म है. बट इन अ वेरी लाइट कॉमेडी, यू नो, वेरी इन अ वेरी हिलेरियस. तो मतलब कुछ ऐसा, इट्स नॉट अ सोशल मैसेज और इट्स नॉट रियली हैवी ऑन द माइंड. सो हल्की फुल्की सी फिल्म देख के मजा आया. आई थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, द आइडिया ऑफ virgins and people who are concerned about being a virgin or not being a virgin before marriage, you know, and we don't see that often explored in cinema, so it's nice. Bahut hi mazedar thi. It's actually on a very interesting subject. Main zyada batana nahi chahta hu, I don't want to spoil the film. But I think it's a very relevant, very very topical thing. जिसकी शादी होने वाली है, जो सोचा है कि वो शादी करने वाले हैं, I think that they will relate a lot. It's just, you know, it just talks about a subject which we don't really address. You know, this, I think in today's day and age we should address the subject of sex and it shouldn't be taboo. And that film really breaks all the taboos. मेरा जो character है वो actually इन सबको represent करता है. यू नो, तो वो बेचारा यही समझता है कि भाई यू नो लड़की का वर्जिन होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही इज़ अ वर्जिन, यू नो दैट स्पेशल थिंग ऐसे कह सकते हैं. तो एक छोटी सी ऐसी एक इंट्रिकेट सी चीज़ जो कैरेक्टर में आपको देखते हैं. मेरी को एक्टर हैं द ब्यूटीफुल पिया बाजपाई एंड द वेरी टैलेंटेड पिया बाजपाई और बहुत मज़ा आया. अक्षय ओबेरॉय भी हैं फिल्म में लेकिन उनके साथ मेरा काम नहीं था, मेरे और पिया के सीन्स के साथ में. एंड शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, बहुत मज़ा आया दोनों को. I loved his work. I mean, so smooth. I don't know when he's shooting, when he's acting. He's doing so many things in one single frame. I mean, no, but it's what? Always it's a very give and take relationship. कोई भी acting में जो होता है, तो with Pia because I was really comfortable. Both हम जो भी improvisations कर रहे थे, दोनों बहुत अच्छे से compliment कर रहे थे एक दूसरे को. And that's what you need, यार. इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए. So really had a blast shooting. Same here. Same. यार मैं फिल्में देखता हूँ, मैं आर को देखता हूँ, and I feel के काम अच्छा होता है या बुरा. Vulgarity is a matter of opinion. I just finished a film called Death in the Ganj by Konkana Sen Sharma. And there's also a film called Mantra which I did a long time ago which will be released.